अभी जैसे अभी देखो सर्दी चालू हो गई, अभी बाजार में सबसे पौष्टिक क्या मिल रहा है कोई बताए मुझे, बताओ अभी बाजार में सबसे पौष्टिक चीज क्या मिल रही है, बताओ बताओ आप लोग बताओ। अभी बाजार में कुछ दिन और चलेगा आंवला। देखो आप लोगों की दृष्टि जाती नहीं है, मतलब की चीज तक तो पहुंच ही नहीं पाए, हम तो पिज्जा बर्गर में ही उलझे हैं। बच्चों को और आप सब सुन लो कान खोलकर, अभी जब तक ताजा आंवला मिल रहा है रोज आंवला खरीद के लाया करो, और 2-5 आंवले का जूस या नहीं जूस तो कच्चा आंवला बच्चों को खिलाओ, नहीं खाएंगे, कड़वा है उसका स्वाद, खट्टा होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है, पर अमृत है आयुर्वेद में आंवला को। आंवला को क्या माना गया है, जितने बूढ़े बैठे हो, जवान बैठे हो, बच्चे बैठे हो, सीजन में ये आंवला 4-5 आंवले का जूस निकाल के रस पी लो, एक घूंट बनेगा पी जाओ, मैं रोज पीता हूं, अमृत है। फिर बाजार में आंवले का रस बाजार में बिकता है वो तो खराब वाला है, अरे ताजा घर में बना लो ना, बाजार की चीजें से अच्छी ताजी चीजें, आंवले का अचार रख लो, आंवले का अचार रोज खाया करो, आंवले का मुरब्बा, आंवले का, आंवले की कैंडी, आंवला खाओ, आंवला 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 बच्चों को खवाओ, सबसे बेस्ट। एप्पल तो है ही, एक एप्पल रोज बच्चों को खवाया करो, एक सेब रोज खवाया करो, रोज खवाओ एक सेब बच्चों को, अंकुरित अनाज खवाओ बच्चों को, चने दाल अंकुरित करके, ककड़ी मूली चुकंदर बच्चों को खवाओ, बचा लो पिज्जा बर्गर से बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। शरीर की ही क्षति नहीं हो रही है, शरीर की आंखों में कमजोरी, बाल कमजोर, किडनी कमजोर, ये कमजोर, बच्चों को कैंसर होने लग गया, ब्लड प्रेशर हाई होने लग गया, बच्चों को शुगर बढ़ने लग गई, बच्चों की खान पान बिगड़ेगा, सब बिगड़ेगा। खान पान बना लो मेरी माँ, वो केवल तन ही नहीं बिगड़ता उल्टा खाने से मन भी बिगड़ता है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो बच्चों को आप सबके लिए बोल रहा हूं, आंवला खाओ, आंवला जहां भी मिले खरीद लो, नहीं अच्छा लगा फिर भी चबाते रहो उसको, अमृत है। क्या है उठा कर गूगल से पूछ लेना कि आंवला के गुण, इस धरती में सबसे बड़ी औषधि आंवला है, आंवला से बड़ी कोई औषधि नहीं है, जितने चमनप्रास बनते हैं सब में आंवला होता है। तो कंपनियां चमनप्रास के नाम पर आपसे लूट कर क्या लेती हैं, क्या देती हैं, आंवला, तो क्यों ना सीजन का आंवला खाया जाए, मस्त। लेकिन आप तो स्वाद के गुलाम हो गए हैं, जिह्वा के, ये जैसा जैसा कहती है वैसा वैसा आप करते हैं। मैं तो पालक का जूस भी पीता हूं, भले अच्छा ना लगे फिर भी पीता हूं। मैं स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता आप लोगों की तरह, मैं तो उसका भी जूस पीता हूं, वो क्या होता, कड़वा होता, करेला, करेला मैं देखो मेरा फेवरेट है, फिर भी उसका नाम भूल गया, करेले की मैं सब्जी भी खाता हूं और करेले का जूस भी पीता हूं, समय समय पर खूब पीता हूं, और करेले का जूस आप पीते हैं, नहीं महाराज हम नहीं पीते, हमें बड़ा खड़वा लगता, हम तो बस मीठा मीठा पीते हैं, खूब सारी शक्कर डाल के चाय बना लेते हैं और पीते रहते हैं बस ये जानते हैं भारत के लोग खाना पीना, चाय मीठे के नाम पर चाय, जो चीजें खाने लायक वो खाते नहीं, वो बीमार बने, महाराज हम बीमार हैं, उल्टा सीधा खाओगे तो बीमार ही रहोगे, वजन बढ़ा लिया इतना, गुब्बारा भर लिया, हवा भर ली, इतने मोटे चला नहीं जा रहा, काहे इतना खा लिया, जितना आपने एक जन्म में खा लिया हम 7 जन्म में भी इतना ना खा पाएंगे जितना आप लोग एक जन्म में खा लिए, काहे इतना खा लेते हो। खाने पीने हमारे देश में 99% लोगों को खाने पीने का ज्ञान ही नहीं है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना। चलो तो आप लोग अपने बच्चों को क्या खवाएंगे, अंकुरित अनाज, कौन कौन खवाएगा,
लो हाथ नहीं उठा रहे, नहीं खवाएंगे। और आंवले का रस कौन कौन पिएगा, आंवला कौन कौन खाएगा, रोज कम से कम एक आंवला खाओ, रोज एक आंवला रोज खाने, अच्छा ना लगा फिर भी ठूसो खा, नुकसान नहीं है साहब उसका, खाओ बहुत फायदा करता है, हर चीज के लिए फायदा है आंवला। चलो ठीक है, गाजर आ गई है बाजार में, गाजर का जूस पिया करो, आंवले का जूस पिया करो, है ना, पालक का जूस, पालक का रस, पालक कच्ची सब्जी खा लिया करो, पालक के 10-20 पत्ते चबा लिया करो, ये सब चीजें खानी चाहिए। अभी जैसे मटर का सीजन आ रहा है, मटर जानते हैं, मटर मटर खूब हरी मटर है, छील छील करके बढ़िया गुनगुने पानी में उसको थोड़ी देर के लिए डाल दो, फिर उसको खाओ, या ऐसे भी खा लो आप छील करके उचित मात्रा में, हरी चीजें ज्यादा खाओ तब स्वास्थ्य हरा भरा रहेगा। अब सूखा सूखा खा लिया तो स्वास्थ्य भी सूखा रूखा हो गया।